खरगोन मध्य प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में मंडी टैक्स कम करने की मांग को लेकर कपास व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, जिसके चलते मंगलवार को कपास व्यापारियों ने किसानों के कपास नहीं खरीदा। व्यापारी मन्नालाल जायसवाल ने बताया कि प्रदेश में वसूली किए जाने वाले 1.70% टैक्स को घटाकर 0.50% करने की मांग कर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि राज्य सरकार अन्य राज्यों के मुकाबले 3 गुना अधिक टैक्स ले रही है, जिससे प्रदेश और व्यापार प्रभावित हो रहा है। जिलिंग सहित मजदूर पलायन कर रहे हैं, इसलिए अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। हड़ताल ऐसे समय पर हो रही है जब मंडियों में नए कपास की बम्पर आवक होने लगी है। हड़ताल से करोड़ों रुपयों का व्यापार प्रभावित होने की संभावना है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। जो उचित मूल्य के लिए सरकार चिल्लाती है, किसानों को उचित मूल्य अंतर्राष्ट्रीय लेवल से प्राप्त हो, क्योंकि टैक्स में अन्य प्रांत में जहाँ भी कपास का उत्पादन होता है वहाँ 25 पैसे से 50 पैसे हैं, और किसान अगर फैक्ट्रियों में सीधे माल तोलते हैं उस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स मंडी शुल्क नहीं लिया जाता है, क्योंकि सेवा के बदले लिया गया टैक्स है। सिर्फ मध्य प्रदेश प्रांत ही ऐसा है जहाँ पर सभी तरह, चाहे आप बिल से माल लाओ या कहीं भी से भी लाओ, आपको मंडी शुल्क चुकाना है। तो इन अव्यवस्थाओं के खिलाफ हमारा पूरा व्यापारी मध्यांचल काटा एसोसिएशन पूरे प्रदेश लेवल पर एक रूपता के लिए हड़ताल पर गया है। जब तक अन्य प्रांतों के तुलना में टैक्स में एक रूपता नहीं आएगी, तब तक हम हड़ताल हमारी कायम रखेंगे। और वास्तव में ये हड़ताल से हमारे किसान वर्ग को ज़्यादा फायदा हमारे साथ, हम हमारे कृषक वर्ग के लिए भी है कि उनको भी अन्य प्रांतों के समान यहाँ मूल्य प्राप्त हो। अभी आगे सर दीपावली भी है, बम्पर आवक भी हो रही है, इसमें आप खरीदी बंद कर रहे हैं, किसानों को मजबूरन खुले बाजार या दुकानों पर बेचना पड़ेगा? नहीं, कोई दुकानों पर मध्य प्रदेश में खर्ची दुकानों पर भी किसी प्रकार का कोई माल नहीं खरीदा जाएगा। हमारे किसान संघों से भी निवेदन कर रहे हैं कि हमारे खंधे से खंधे मिलाकर हमारा साथ दीजिए। साथ देने का उद्देश्य यही है कि हम हमारा लाभ के लिए ही नहीं कर रहे, हम कृषक के हितार्थ भी कर रहे हैं। शासन से कोई बात है प्रतिनिधि मंडल? शासन से हम पिछले 3 साल से लगातार बात कर रहे हैं, और अभी पिछले 6 महीने से बहुत प्रयास किया, परंतु वहाँ से किसी प्रकार का कोई हमें उचित आश्वासन या उचित वो नहीं मिला। क्या नाम लिखे? नरेंद्र गांधी। कपास के ऊपर अधिकतम टैक्स है MP के अंदर, इसके प्रपस पर हमने 11 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल रखी है। यहाँ पर मंडी टैक्स 1.5 रुपये है और 20 पैसे निराश्रित लग रहा है। हमारे पड़ोसी राज्यों में 25 से 50% मंडी शुल्क है, गुजरात में भी यही है 25 से 50 पैसे, केवल MP में ही 1.5 रुपया है और 20 पैसे निराश्रित है। अधिकतम शुल्क होने के कारण हम अनिश्चित हड़ताल पर जा रहे हैं। क्या परेशानी क्या आ रही है? इसमें परेशानी यह आ रही है कि यहाँ हम लोगों को, किसान को कपास के रेट कम मिल रहे हैं, तो यहाँ से किसान पड़ोसी राज्यों में माल ले जा रहे हैं, तो यहाँ के उद्योग धंधे बंद होने के कागार पर आ रहे हैं। यह जब तक गवर्नमेंट हमारी सुनवाई नहीं करे और शुल्क कम नहीं करे, जब तक हम हड़ताल पे जारी रखेंगे। मन्नालाल जी जायसवाल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।